हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन एआई सो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस आई हैं उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए सो so, फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करती हैं। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में इसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स और सॉफ्टवेयर एज अपोज टू द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स यानी ये जो ए आई है ना ये ह्यूमन्स और एनिमल्स की इंटेलिजेंस के अपोजिट बात करें तो मशीन या सॉफ्टवेयर की इंटेलिजेंस होती है इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी इन कंप्यूटर साइंस दैट डेवलप एंड स्टडीज इंटेलिजेंट मशीन्स तो फ्रेंड्स ये क्या है देखिए ये कंप्यूटर साइंस में स्टडी मतलब एक स्टडी का एरिया है जो कि जो डेवलप एंड स्टडी जहाँ पे हम क्या करते हैं बुद्धिमान जो मशीन्स है उनका विकास यानी कैसी वो डेवलप हुई हैं किस तरह से मतलब उनकी स्टडी करती हैं एक तरीके से इंटेलिजेंट मशीन्स की तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अलावा देखिए जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले यूज़ किया गया था बाय दी अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी जॉन मैकार्थी इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को यूज़ किया था इन्हें माना जाता है फादर ऑफ एआई तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फादर ऑफ एआई किसे कंसीडर किया जाता है तो इनका नाम याद रखेंगे जॉन मैकार्थी और फ्रेंड्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जहाँ पे ए से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई होगी पहला क्वेश्चन है देखिए इन विच कंट्री हैज दी वर्ल्ड फर्स्ट ए सेफ्टी समिट बीन ऑर्गेनाइज विश्व का जो पहला देखिए ए सेफ्टी समिट है कौन से देश में ये आयोजित किया गया तो ये समिट हुआ कहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स ब्रिटेन में सो ब्रिटेन में हुआ वर्ल्ड का पहला ए सेफ्टी समिट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश लीडर जो ऋषि सुनक है उन्होंने होस्ट किया था इस समिट को टेक्नोलॉजीज लाइक ए आई विल प्रूव टू बी एन ट्रांसफॉर्मेटिव एज दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द डिस्कवरी ऑफ द इंटरनेट तो एक तरीके से ए आई के बारे में देखिए काफ़ी डिस्कशन हुआ किस तरह से ये हमारे एज अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव की तरह जो है साबित हुआ है ए आई टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी हम आगे बढ़ गए हैं तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से जो है क्लियर हुई हैं और ये पहला ही समिट हुआ था जो ए सेफ्टी समिट था जिसने ऑर्गेनाइज किया था तो कंट्री जरूर याद रखिएगा ब्रिटेन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इंडिया फर्स्ट ए आई सिटी बी बिल्ट इंडिया का जो पहला ए आई शहर है ये फ्रेंड्स कहाँ बनाया जाएगा तो ये शहर बनाया जाएगा लखनऊ में इस शहर को बनाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू क्रिएट अ थ्राइविंग हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक हब बनाना इसके अलावा इंटीग्रेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज रिसर्च सेंटर अकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू फोस्टर इनोवेशन एंड नर्चर द वर्क फोर्स ऑफ द फ्यूचर तो इन सभी एरियाज़ को एक तरीके से इंटीग्रेट करना ताकि हम जो इनोवेशन है उसको और भी आगे लेके जा सके और हमारा जो फ्यूचर है फ्यूचर के नर्जर के लिए यानी उसको और भी अच्छे से उसका पोषण किया जा सके उसके लिए एक हब क्रिएट करना यह है इसका मेन उद्देश्य है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ए स्कूल किस राज्य ने जो है अपना पहला ए स्कूल जो है इसकी शुरुआत की सो फर्स्ट ए स्कूल ओपन किया गया केरल स्टेट में सो so, केरल ने अपना पहला ए आई स्कूल लॉन्च किया जो कि लोकेटेड कहाँ पे है तो ये है फ्रेंड्स इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन और ये तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है इस स्कूल को इनाग्रेट किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने द इनागरल सेरेमनी अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो एजुकेशन के फील्ड में एक नई एरा की शुरुआत की जो है ये अनाउंसमेंट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द थीम ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 अब यहाँ पे देखिए जीपीएआई जो समिट हुआ था उसकी थीम पूछी है तो इस समिट की थीम क्या रही एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल ए इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस ये जो समिट था ये ट्वेल्थ टू तो फोर्टीन तो ऑफ दिसंबर को हुआ था कहाँ पे भारत मंडपम दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनवॉल्व अबाउट ट्वेंटी एट में यूरोपियन यूनियन तो इसमें देखिए ट्वेंटी एटर स्टेट है और यूरोपियन यूनियन जो है इसमें शामिल है नेक्स्ट क्वेश्चन विप्रो हैज स्टार्टेड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन जनरेटिव ए आई इन विच आई आई टी तो विप्रो ने किस आई आई टी में जनरेटिव ए आई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया तो ये शुरू किया है कहाँ पे कौन से आई में आई दिल्ली में विप्रो लिमिटेड हैज स्टेबलाइज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि किस पे है जनरेटिव ए पे है और ये शुरू किया है आई दिल्ली के साथ में जो है मिलकर उनके साथ कोलैबोरेट करके ये जो कोलैबोरेशन है ये रिफ्लेक्ट करेगा विप्रोस कमिटमेंट टू बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी एज अ लीडिंग एंटरप्रेन्योर इन द टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री विप्रो ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक लीडिंग एंटरप्रेन्योर के रूप में सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए जो उनकी कमिटमेंट रही है उसी कमिटमेंट को यह कोलैबोरेशन रिफ्लेक्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टेक एक्सपर्ट हैव गॉट अ प्लेस इन विच एजेंसीज ए एडवाइजरी बॉडी भारत के टेक्स एक्सपर्ट को किस एजेंसी की ए सलाहकार संस्था में जगह मिली है आंसर इज यूनाइटेड नेशंस तो यू में जगह मिली है एमिनेंट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो इंडिया से हैं उनको देखिए अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो ए एडवाइजरी बॉडी है उसमें जो है उनको नामित किया गया है उनका मतलब एक तरीके से उनका नाम दिया गया है द ए आई एडवाइजरी बॉडी इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरस है उन्होंने ट्वेंटी अक्टूबर 2023 को इस ए आई एडवाइजरी बॉडी की अनाउंसमेंट की थी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओपन ए आई तो जो ओपन ए आई है इसके सीईओ कौन है तो करंट में फ्रेंड्स गवर्नमेंट अनवील्ड ए आई चैट बोर्ड सरकार ने किस योजना के लिए ए आई चैट बोर्ड का अनावरण किया है तो योजना का नाम है पीएम किसान स्कीम ए आई चैट बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है पीएम किसान स्कीम में एक तरीके से जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के रूप में जो है वर्क करता है और जो भी देखिए स्कीम से रिलेटेड जो क्वेरीज होंगी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टाइमली उनको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जो है ये प्रोवाइड करेगा चेटबोर्ड का मेन पर्पस क्या है टू एम्पावर फार्मर्स विद अ यूजर फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म तो फार्मर्स तो को देखिए यूजर फ्रेंडली एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ही इस चैटबॉट को शामिल किया गया है PM किसान बीन लॉन्च बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉट इज हिज नेम यूडी की ओर से जो भी चेटबोर्ड दिखे लॉन्च किया गया था इसे नाम क्या दिया इस चेटबोर्ड को नाम दिया है आधार मित्र तो आधार मित्र जो है अब इस चेटबोर्ड के आने से की वेबसाइट पर आधार से जुड़ी अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ईजी हो गया है अच्छे से जानकारी यहां से ली जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ग्रुप फॉर एआई फ्रॉम विच कंट्री भारत ने किस देश से आर्टिफिशेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राजीव चंद्रशेखर उन्होंने जो है ग्रुप मीटिंग में पार्टिसिपेट किया वर्चुअल माध्यम से कहा तो ग्रुप मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस दौरान इंडिया ने फ्रांस की जो सिम्बो सिम्बलिकलिक uh, जो एक तरीके से रूप है उसकी चेयरमैनशिप की एक तरीके से इंडिया ने वहाँ से उनकी चेयरमैनशिप की अध्यक्षता ग्रहण की नेक्स्ट क्वेश्चन सी बी एस ई हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द करिकुलम ऑफ विच क्लास इज अ पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी तो सी बी एस ई जो है ना देखिए कोडिंग और जो ए आई एक तरीके से करिकुलम में ऐड करने की जो है उन्होंने डिसीज़न लिया है कि ये सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जाएंगे कोडिंग और ए आई को और ये ऐड होंगे कौन सी क्लास में सिक्स टू एट तो क्लास सिक्स टू एट जो है इन सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा और ये होगा एज़ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर सो so, ये जो मूव लिया है ये एक तरीके से रिकगनाइज़ करेगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर इन ए तो अगर देखिए बच्चे कोई भी हैं जो अपना फ्यूचर ए में अपना करियर बनाना चाहते हैं मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में अपना फ्यूचर प्रिपेयर कर रही हैं तो उनको मैथमेटिक्स की उनकी इम्पॉर्टेंस और कंप्यूटेशनल जो सोच है उसकी इम्पॉर्टेंस को ये जो है रिकगनाइज़ करेगा

रियल टाइम समय में अनुवाद के लिए सरकार द्वारा डेवलप किस ए आई लैंग्वेज टूल का यूज किया तो ये जो लैंग्वेज टूल यू आई यूज किया गया था ए आई लैंग्वेज टूल इसको नाम किया दिया था भाषिनी सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाषिनी नाम का जो ये ट्रांसलेशन टूल है इसे अपने स्पीच के दौरान में इसे यूज किया मेन पर्पज क्या है इसका तो इसका मेन पर्पज है टू फैसिलिटेट रियल टाइम ट्रांसलेशन हाथों हाथ ये रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकता है प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज विद इन कंट्री तो देश के अंदर ही जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं उनके बीच कम्युनिकेशन को ये बढ़ावा देना यही इसका मेन उद्देश्य है नेक्स्ट क्वेश्चन सैमसंग हैज अनवील्ड इट्स जनरेटिव ए आई मॉडल वट इज हिज नेम सैमसंग ने अभी अपना जनरेटिव ए मॉडल जो है इसे अनवील किया और इसे नाम क्या दिया सैमसंग गोस तो नाम दिया है सैमसंग जो है साउथ कोरियन कंपनी है जिन्होंने अपना खुद का एक ए मॉडल जो है इसे इंट्रोड्यूस किया है और इसे नाम दिया है सैमसंग गौस नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड द सी ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है तो इस नाम क्या रखा है इसका तो इसका नाम इसको नाम दिया है माइका या मिका जो अभी आप प्रोनाशिएट करें तो मिका जो है इसे नाम दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल हैज लॉन्च ए आई चेट बोर्ड फॉर टीनेजर्स वॉट इज हिज नेम गूगल ने टीनेजर्स के लिए एक ए आई चेट बोर्ड लॉन्च किया और इस चेट बोर्ड को नाम क्या दिया है बार्ड तो बार्ड नाम से चेट बोर्ड लॉन्च किया है टीनेजर्स के लिए गूगल इज टेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन मीटिंग द एजुकेशनल नीड ऑफ टीनेजर्स विद लॉन्च ऑफ इट्स ए आई चैट बोर्ड बार्ड गूगल मैप इस बार्ड चैट बोर्ड के लॉन्च के साथ जो टीनेजर्स हैं उनकी जो भी देखिए एजुकेशनल नीड है उनको पूरा करने में गूगल ने जो है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है नेक्स्ट देखिए गूगल्स पेरेंट कंपनी है एल्फाबेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक ए आई मॉडल वट इज हिस नेम तो अल्फाबेट ने जो ये ए आई मॉडल जो है पेश किया है इसे नाम क्या दिया है जेमिनी अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है जिन्होंने ले लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड ए आई मॉडल अनवील किया जेमिनी नाम से नेक्स्ट है मेटा इन विच कंपनी हैज लॉन्च ए आई अलायस टू प्रमोट ओपन सोर्स ए आई डेवलपमेंट सो मेटोर किस कंपनी ने ओपन सोर्स ए आई विकास को बढ़ावा देने के लिए ए आई को शुरू किया है तो ए आई जो है इसे लॉन्च किया है आई ने सो so, और आई बी आई बी एम जो है उन्होंने जॉइंटली मिलकर स्टेबलाइज किया एक ए आई जो प्रमोट करेगा ओपन साइंस अप्रोच को ए डेवलपमेंट के लिए इसका मेन उद्देश्य है टू प्रमोट एन ओपन साइंस अप्रोच टू ए डेवलपमेंट विच डिफ्रेंशिएट्स दैम फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट ओपन ए आई तो ए आई जो है ए आई डेवलपमेंट के लिए ओपन साइंस जो अप्रोच है इसको बढ़ावा देना जो कि उनको जो बड़ी बड़ी देखे कॉम्पिटिटर्स कंपनीज जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो उनसे उनकी, उनकी जैसी जो है उनको कॉम्पिटिटर्स से जो है उन जैसे कॉम्पिटिटर्स से उनको अलग करता है नेक्स्ट है रिलायंस जियो हैज पार्टनर्ड विध विच आई आई टी फॉर भारत जी प्रोग्राम इन स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम तो रिलायंस जियो ने अभी आईआईटी बॉम्बे के साथ में जो है पार्टनरशिप की और ये पार्टनरशिप हुई है भारत जी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सो द कंपनीज ब्रॉडर प्लान ऑल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्ट टीवीज सिग्नलिंग द एवोल्यूशन ऑफ जियोस जियोस टू पॉइंट ऑफ विजन तो कंपनी ने देखिए जो उनका ब्रॉडर प्लान है ना वो है स्मार्ट टी के लिए एक ए या एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस है इसको इसके डेवलपमेंट को भी इसमें शामिल करना इंक्लूड है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ अनाउंस इट्स फर्स्ट ए आई पावर्ड एक्सपीरियंस फॉर मैप्स किस कंपनी ने मैप के लिए भारत के पहले ए आई पावर्ड एक्सपीरियंस की घोषणा की तो ये शुरू किया है किसने गूगल ने सो so, जो गूगल का गूगल मैप्स से देखिए इस सेट टू अंडर गो अ ट्रांसफॉर्मेटिव अपग्रेड इन इंडिया विद अ होस्ट ऑफ न्यू फीचर्स लेवरेजिंग ए आई तो ए आई का लाभ उठाते हुए कई सारी नई सुविधाओं के साथ इंडिया में जो है इस एक तरीके से जो ये यूनिक नेविगेशन टूल है इंडिया जो है पूरी तरह से तैयार है इसको यूज करने के लिए इसका पर्पस है टू तो सिंप्लीफाई लोकेशन डिस्कवरी बाय प्रोवाइडिंग अ मोर एक्सपीरियंस तो जो भी देखिए मैप्स के थ्रू लोग एक्सपीरियंस मिलता है वो और भी अच्छे से सीमलेस एक्सपीरियंस होने मिल सके तो यही जो है इसका उद्देश्य है ई बुक्स हैं जनवरी सो नवंबर 11 मंथ्स करंट अफेयर्स की एंड इंडियन पॉलिटी की तो और भी ई बुक्स हमारे जो है वेबसाइट पर अवेलेबल हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो आप सभी इन ई बुक्स को जरूर जो है आप लोग विजिट जरूर करें नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ अनवील्ड मेड फॉर इंडिया क्रूटियम ए आई क्रूटिम तो किसने मेड फॉर इंडिया क्रूटिम ए आई का अनावरण किया है तो फ्रेंड्स इसका अनावरण किया है भाविश अग्रवाल ने नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहला एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है तो फर्स्ट लैंग्वेज का नाम है सो इन लेट 1950 यानी 1950 के दशक के अंत में जॉन मैकार्थी थी एंड इन्फ्लुन्शल कम्प्यूटर साइंटिस्ट और उनके कलीग जो है उन्होंने पहला ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसे इंट्रोड्यूस किया और इसे नाम दिया लिस्प यानी लिस्ट प्रोसेसिंग ए आई हैज़ चेंज द वे वी इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी बट इट्स जर्नी बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट ए आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो ए आई ने जो है देखिये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो इंट्रैक्ट करने का तरीका है उसको पूरी तरह से जो है उन्होंने बदल दिया है नेक्स्ट अमेजानस ए डब्ल्यू एस हैज पार्टनर्ड विद होम टू एनहेंस ए आई कैपेबिलिटी विद क्लाउड टेक्नोलॉजीज अमेजॉन के ए डब्ल्यू एस ने क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ ए आई क्षमताओं को बढ़ा बढ़ाने के लिए साझेदारी किसके साथ करी है आंसर इज इसरो नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाई ओपन ए आई सी सैम ऑल्टमैन ओपन ए आई के जो सी ओ हैं सैम ऑल्टमैन उन्होंने किस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है तो फ्रेंड्स उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है वर्ल्ड कॉइन सो सैम ऑल्टमैन जो है उन्होंने वर्ल्ड कॉइन नाम से क्रिप्टो प्रोजेक्ट को शुरू किया अपने दो को फाउंडर्स के साथ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यूजर्स विल गेट अ वेरीफाइड डिजिटल आइडेंटिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट नेक्स्ट टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ए आई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया ए आई डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एंड विच कंपनी है तो ये जो एम की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ बात करें तो ए के फील्ड में जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए अभी किस कंपनी के साथ हुआ है साइन तो कंपनी है मेटा मेटा जो है फेसबुक का ही नया नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट ए आई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बाय ग्रीन रोबोटिक्स व्हाट इज हिज नेम भारत ने ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा वर्ल्ड के पहले ए संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया इस सिस्टम का नाम क्या है तो इस सिस्टम का नाम रखा गया है इंद्रजाल सो हैदराबाद बेस्ड एक रोबोटिक कंपनी है ग्रीन रोबोटिक्स इन्होंने डेवलप किया है इंद्रजाल जो कि एक इनोवेटिव एंटी ड्रोन सिस्टम है और ये पावर्ड किससे है ईआईसी। आई इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल फैसिलिटीज जैसे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड ऑयल रिक्स एज वेल एज लार्ज एरिया पोटेंशली एंटायर सिटीज फ्रॉम वेरियस ड्रॉन थ्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ए आई सुपर कम्प्यूटर फ्रॉम इंडिया हैज सिक्योर्ड सेवेंटी फिफ्थ रैंक इन द प्रस्टिजियस टॉप फाइव हंड्रेड ग्लोबल कंप्यूटिंग लिस्ट तो अभी देखिए फ्रेंड्स एक आ, लिस्ट आई है टॉप फाइव हंड्रेड ग्लोबल कंप्यूटिंग सुपर कम्प्यूटिंग लिस्ट में उसमें इंडिया की तरफ से सेवेंटी फिफ्थ रैंक किसने सिक्योर करी तो सेवेंटी फिफ्थ रैंक पे रहा है कौन सी दी कौन सा देश आंसर इज एरावत अगला क्वेश्चन है डेल टेक्नोलॉजीज एंड कंपनी इन तेलंगाना इंस्टीट्यूट सो डेल टेक्नोलॉजी और किस कंपनी ने अभी तेलंगाना इंस्टीट्यूट में एक ए आई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है तो ये किया है डेल के किस, ने किसके साथ मिलकर इंटेल के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप की तो फ्रेंड्स याद रखेगा डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल ने जो है आ, हाथ मिलाया है फ्रेंड्स किस चीज को लेके टू से आई लेबोरेटरी एट द तेलंगाना इंस्टीट्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट जनरेटिव ए आई पावर्ड मल्टीलिंग चैटबोर्ड एक्सेबल थ्रू दी पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप व्हाट इज हिज नेम माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सअप के माध्यम से एक जनरेटिव एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल चैटबॉट जो है इसे लॉन्च किया है अब यहाँ इस चैटबॉट का नाम पूछा है तो इसे नाम क्या दिया है जुगल बंदी ये जो चैटबॉट डिज़ाइन किया है इसे स्पेशली देखिए रूरल इंडिया के जो कुछ ऐसे एरियाज हैं उनको कवर करने के लिए इसको बनाया गया है जो आसानी से मीडिया वहाँ पर देखिए एंटर नहीं कर सकती है और वहाँ पे गवर्नमेंट की जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँचती तो इसी इस चैटबॉट को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य यही है उन सभी एरियाज को कवर करना नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री विच कोर्ट हैज़ किवन द डिसीजन ऑफ बेल इन अ मर्डर केस विद द हेल्प ऑफ चैट जी देश में पहली बार चैट जी की मदद से हत्या के मामले में जमानत का फैसला किस कोर्ट ने दिया तो ये फैसला दिया था पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स मेटा एंड विच कंपनी हैज हैव जॉइंटली देयर न्यू लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉल्ड एल लामा टू सो मेटा और किस कंपनी ने जो है लामा टू नाम से जो उनका नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसे पेश किया सो so, मेटा और दूसरी कंपनी कौन सी है आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट

जेन ए आई लॉन्च किया तो इसे लॉन्च किया है किस कंपनी ने अडोबी कंपनी ने अगला क्वेश्चन है इंडिया पावर ए आई चेट बोर्ड हैज बीन लॉन्च वट इज इम इंडिया का पहला चेट जीबीटी पावर जो ए आई चेट बोर्ड है यह भी लॉन्च हुआ है और इस चेट बोर्ड को नाम क्या दिया है लेक्सी लैक्सी जो है इंडिया का पहला ए आई बेस्ड चेट बोर्ड है जो की किसके पावर्ड है चैट जीपीटी से इस चेट बोर्ड को लॉन्च किया फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने तो यहाँ पे याद रखिएगा कंपनी का नाम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या इसके बारे में कुछ और बात करें तो चैट बोर्ड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग बिजनेस इन्फॉर्मेशन टू कॉमर्स फाउंडर्स इन सिंपल मैनर जितने भी ई कॉमर्स के फाउंडर्स हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से बिजनेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में ये चैटबोर्ड पूरी तरह से कैपेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज नेशनल एआई पोर्टल भारत का जो नेशनल एआई पोर्टल है इसको नाम क्या दिया है तो इस पोर्टल का नाम रखा है इंडिया इंडिया आई तो ये इसको जो है नाम दिया है ए पोर्टल को क्या है इसका टू प्रिपेयर इंडिया फॉर एन ए आई फ्यूचर तो इंडिया को एक ए आई फ्यूचर के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को एंड स्टेट आई टी एंड सी डिपार्टमेंट है पाइनरिंग पार्टनरशिप टू एम्बेड ए आई एथिक्स इंटू दर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तो अभी यूनेस्को किस राज्य ने जो है इसमें साझेदारी की है आंसर इज तेलंगाना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड अमंग द विथ विद हाईएस्ट एआई इन्वेस्टमेंट भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में किस स्थान पे रहा तो इंडिया रहा है फ्रेंड्स कौन सी नंबर पे फिफ्थ नंबर पे टॉप फोर कंट्रीज देख लीजिए नंबर वन पे यूएसए है देन चाइना थर्ड पे यूके है और फोर्थ पे है फ्रेंड्स इजराइल उसके बाद फिफ्थ पोजिशन आती है किस कंट्री की इंडिया की

किसने स्टार्टअप ग्लोबल इल्यूमिनेशन का सफलतापूर्वक जो है अधिग्रहण किया है तो ये किया है ओपन एआई ने। सो जो फ्रेंड्स एक्विशीशन सिग्नल्स वो है ओपन uh, एआई का कमिटमेंट टू एनहेंसिंग इट्स कैपेबिलिटीज एंड रेवोल्यूशनाइज द एआई लैंडस्केप तो ये जो एक्विशीशन यानी अधिग्रहण है ये ओपन ए की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ाने और ए लैंडस्केप में क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्धता का संकेत देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी हैज इन्वेस्टेड बिलियन डॉलर इन कंपनी एंथ्रोपिक तो एंथ्रोपिक नाम से कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें किस कंपनी ने चार बिलियन डॉलर का निवेश किया है तो यह निवेश किया है कौन सी कंपनी ने अमेजॉन ने अब इस निवेश को करने के पीछे का मेन पर्पस है टू कनेक्ट एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट टू ए आई मोड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर ईयर इंडिया हु हैज्हील्ड ए आई पावर चेट बोर्ड चेट असिस्टेंट नाम रखा है सिक्स स्काई तो सिक्स स्काई नाम से ए आई पावर जो चेट असिस्टेंट है इसे लॉन्च किया इसका अनावरण किसने किया है आंसर इज इंडिगो तो एयर इंडिया के बाद अब इंडिको ने जो है इसका अनावरण किया नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच कंपनी हैज फादर ऑफ जेफ्री रिजाइन के जनक Hinton, जो है उन्होंने किस कंपनी ने इस्तीफा दिया है तो इन्होंने इस्तीफा दिया है गूगल से जेफ्री हिंटन इनको ए आई गॉड फादर कहते हैं हु वॉन्ट टर्निंग अवार्ड तो टर्निंग अवार्ड उन्हें कब मिला था टू थाउजेंड एटीन में और जो है उन्होंने देखिए अभी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लेटेस्ट जॉब है देखिए लेटेस्ट uh, मतलब गूगल से अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है अपने लेटेस्ट वर्क के लिए उनको टर्निंग अवार्ड जो है उन्होंने जीता था नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑन पोटेंशियल थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो इस बैठक की मेजबानी किसने की है यूनाइटेड किंगडम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने देखिए सो द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दी पोटेंशियल थ्रेट ऑफ ए आई टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और इसे होस्ट किया था मीटिंग को यूनाइटेड किंगडम ने नेक्स्ट बीती हैज साइन थ्री एम यू विद होम विद द एम ऑफ प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ए आई सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग तो अभी मेथी ने किसके साथ में एमयू साइन किए हैं तो तीन एमयू जो है ये साइन किए हैं आई बी एम के साथ नेक्स्ट है यू आई इज कोलेबरेटिंग इनिशियटिव ऑफ एनई जी डी एंड विच वन ऑट टू प्रोवाइड इसल ए टू दूथ तो यू आई एन ई जी डी और किसकी एक सहयोगी पहल है ये जो कि युवाओं को आवश्यक एआई कौशल प्रदान करती है तो ये पहल किसकी है आंसर इज इंटेल नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च्ड एआई बेस्ड ओरोन एयरक्राफ्ट टू कलेक्ट इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित जो ओरोन विमान है इसे लॉन्च किया है किसने तो इस विमान को लॉन्च किया है इजराइल देश ने ओरोन एयरक्राफ्ट इज द रिजल्ट ऑफ अनप्रीसिडेंटेड प्रोग्रेस By Israel's Ministry मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस remarkable रिमार्केबल प्रोग्रेस इन country's मिलिट्री कैपेबिलिटी अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च ए आई चैट बोर्ड जिसका नाम रखा है जस्ट आस्क जस्ट आस्क नाम से जो ए आई चैट बोर्ड है इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च ए आई बेस्ड न्यूज एंकर लिसा लिसा जो है एआई बेस्ड न्यूज एंकर है और इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स उड़ीसा उड़ीसा बेस्ड न्यूज स्टेशन है जिन्होंने अनवील किया है लिसा को इंडिया के फर्स्ट रीजनल ए न्यूज़ एंकर के रूप में नेक्स्ट है विच ए आई बेस्ड स्टार्टअप हैज एलन मस्क लॉन्च एलन मस्क ने कौन सा ए आई बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च किया तो फ्रेंड्स इन्होंने जो स्टार्टअप लॉन्च किया है उसे नाम दिया है एक्स ए आई नेक्स्ट है विच यूटी हैज़ लॉन्च इंडिया टेले मनास चेट बोर्ड किस यूटी ने भारत का पहला टेले मनास चेट बोर्ड लॉन्च किया तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म हैज बीन अनवील्ड बाई इन्फोसिस फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फोसिस ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को अनवील किया तो प्लेटफॉर्म का नाम रखा है टॉपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन गीगा चैट टू कम्पीट विद ओपन ए आई चैट जीपीटी किसने जो है ओपन ए आई के चैट जीपीटी के साथ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट की शुरुआत की तो गीगा चैट जो है इसे शुरू किया है किस कंट्री ने रशिया ने तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन का सिलसिला होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं टेस्ट की तो पहला क्वेश्चन देखिए दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है सेकंड क्वेश्चन है इंडिया की पहली एआई सिटी कहाँ पे बनाई जाएगी तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आप सभी इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसी के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन होता है ओ कदम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो